अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ ज़ैनुल आबिदीन। हमारे होस्ट का नेट इंटरनेट शायद थोड़ा उनको तंग कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है, वो आ नहीं पा रहे। तो चले वो अभी आ जाते हैं, हमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज का हम शो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमारा शो फिटनेस के बारे में है। बहुत से लोगों को इश्यू होता है, इंक्लूडिंग मी, ये फिटनेस के हवाले से। मैं अपने ही आपको एक्सपीरियंस बताता चलूं, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार तू बड़ा वीक है, तू मतलब के जिम ज्वाइन कर या फिर कोई अपनी फिटनेस का ख्याल रखा कर। तो इस हवाले से हमने अपने एक बहुत ही हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन के वो स्टूडेंट भी हैं और हमारे प्यारे भाई भी हैं, तो हमने उनको इनवाइट किया है। एक और साहब है, हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है। तो इनका नाम तो उस्मान साहब है। तो हम आगाज करते हैं, उनको बुलाते हैं, अगर डायरेक्टर साहब उन्हें स्क्रीन पर ले आए तो। अहमद ज़ईम साहब भी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया आई थिंक उन्होंने। जी अहमद ज़ईम, जी जी, ये दो जो एनर्जेटिक पर्सनालिटीज हैं सरगोधा से, और जिम के हवाले से उनका काफी बड़ा नाम है, तो यकीनी तौर पर सरगोधा के लोग तो खास तौर पे जानते होंगे उन्हें, और हम तारुफ करवाएंगे। लेकिन तारुफ करवाने से पहले मैं तमाम व्यूज को बताता चलूं कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं उनसे किसी भी किस्म के टिप्स लेने के लिए, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर्स भी हैं, या कोई और बात पूछने के लिए। तो प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है कि आप हमारे पेज के इनबॉक्स में जाएं, इनबॉक्स में जाकर अपने नाम और शहर का नाम लिख कर मैसेज करें, और वहाँ आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारी इस ट्रांसमिशन में जो ऑडियो लिंक
मैं ज़हीम का आई थिंक फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपने ये वीडियो देखी? अभी मैं कमेंट साथ साथ देख रहा था वीडियो के साथ के, अभी से ही उनका पहला कमेंट दिया कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। तो इनके बहुत से फैंस हैं। अहमद ज़हीम दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इनके बहुत से फैंस हैं और हम इनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी सर, वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम अपनी ऑडियंस को कोई टिप्स दे सकें और वो आपसे पूछ सकें, क्योंकि आप हमारे डिपार्टमेंट के भी एक कह ले नाम है। आपने आई थिंक वो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला में भी विन किया था, जी मुझे याद बिल्कुल, पड़ता है, और जी बिल्कुल। आपकी जिम भी है, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा चलो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हम आपको लो आपकी आवाज़ लोग तक पहुंचा दें और लोग जो पूछना चाहते हैं आपसे उनके सवालों के भी जवाब आप दें। तो अहमद ज़हीम ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद ज़हीम के इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ बैठे हुए हैं वो। अहमद, आवाज़ जी आ मैं रही है आपको? बड़ा जी, आप कंटिन्यू करें। हम आपकी रूटीन से स्टार्ट करते हैं कि आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जिम आई थिंक वो भी लॉकडाउन के सिरे चढ़ी हुई है। तो आजकल क्या रूटीन है, आप कैसे अपना वर्कआउट करते हैं? जी, रूटीन तो सबकी ख़राब हुई है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अगर बंदा देखे तो उसके लिए ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वो ना घर में भी ज्वाइन करके ना खुद को फिट रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है मतलब कि अपने एक प्लेटफॉर्म या जिम नेसेसरी है, मैं ये नहीं कहता कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर इन हालात में अगर आप खुद को फिट नहीं करेंगे तो आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप इस एरा में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो रूटीन यही है कि घर में जो मतलब के डंबल्स शंबल्स लगे रखे हुए हैं और उसके अलावा जो कार्डियो स्टफ होता है उसके साथ वर्कआउट हम कर सकते हैं, और आजकल की रूटीन में वही नॉर्मली चल रहा है। तो आपसे इस रूटीन में आपके कुछ जिनको आप सिखाते हैं वो लोग भी होंगे जो मतलब के बच्चे होंगे, तो वो आपको कोई कॉल वगैरह कोई मैसेज नहीं करते कि उस्मान भाई हम क्या करें और ये मसला हो गया ये हो गया, कुछ तंग तो नहीं कर रहे लोग आपको? तंग तो फिर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जाहिर बात है। जो मतलब के जिनको आप ट्रेन कर रहे होते हो या कोई और है, किसी को भी आप ट्रेन कर रहे हो या कोई भी आपसे टिप्स मांगता है, तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अच्छी तरह गाइड करें। तो फिर सारा दिन मतलब कि उनको गाइड करना, या तो फिर उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है या फिर इन्हें प्रो टिप्स बता दिए जाते हैं कि वो इस तरह अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखें ताकि बाद में उनके लिए भी और हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक हो गया। तो एक नॉर्मल रूटीन में आपकी, यानी कि खाने के हवाले से मैं पूछूंगा कि इसमें कोई खाने में कोई फर्क आता है आपके खाने में, या फिर वही जो आम गजा लोग खाते हैं, या फिर इसके लिए कुछ स्पेशल कुछ खुराक होती है जिससे आप फिट रहते हैं? नहीं, खुराक का आप इस तरह कह सकते हैं, खुराक जो होती है वो नॉर्मल खुराक होती है, मतलब कि उसको एक बैलेंस तरीके से लेके चलना पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपके ठीक। ब्रेकफास्ट की, तो आप मतलब कि ब्रेकफास्ट में एग सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जी, हमारे इस प्रोटीन तरह होता है वगैरह वह, ज्यादातर। जी बिल्कुल, प्रोटीन इंटेक होता है एग्स में, और अगर हम उसे देखें तो बाकी सारे उसे फ्राई करके लेते हैं, हम बॉयल करके लेते हैं, बस थोड़ा सा उसका जो ठीक स्पेक्ट्रम हो गया। होता है वो हमें चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से ठीक ठीक थोड़ा डिफरेंट बनता है। हाँ, हम अपने व्यूअर्स को बताते चले, हमें हमारे आज के दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया, मुजम्मिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, ऑनर ऑफ पंजाब मेगा मॉल और मेंबर भी हैं फायर हाउस के। मुजम्मिल साहब कैसे हैं, कैसे मिजाज है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, आप सुनाए, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और तो उस्मान जो है, उसामा वैसे हम इसको प्यार से कहते हैं, तो ये मेरा छोटा भाई है और मेरा जिम मेट है, जिम अच्छा। पार्टनर है। हमारी बहुत सी यादें हैं साथ, और वी आर ऑल्सो वर्कआउट पार्टनर, यू नो। हमने तो कहा इन मुजम्मिल भाई यादों को आपसे, बरकरार रखते हुए। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन में आपकी क्या रूटीन है? जिम तो बंद है, तो फिर आप आजकल क्या कर रहे हैं, कैसी रूटीन है आपकी? सर, रूटीन कुछ भी नहीं, जैसे उसामा ने आपको बताया कि ये आपके ऊपर मोटिवेट होता है, आप कितने मोटिवेट हैं ये इस पर डिपेंड करता है। लाइक इफ अगर लॉकडाउन है
तो आपके पास घर में होम वर्कआउट्स हैं, यूट्यूब पे इसके ढेर सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप वो देख सकते हैं। और ज्यादा कुछ चीजें चाहिए थी, आप कार्डियो कर सकते हैं। और कार्डियो ये भी नहीं कि आपको कोई फैंसी मशीन चाहिए, इलेप्टिकल चाहिए, स्पिनिंग साइकिल चाहिए, थ्रेडमिल चाहिए, मतलब आप कुछ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, पुशअप कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, इसके सेट्स लगा लें, तो वो भी इनफ होता है। बट यू नो जब जब आप प्रो की तरफ जाते हैं फिर उसमें कुछ टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, डाइट डिफरेंट होती है, तो वो एक अलग बात है। बट फिट रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई रह सकते हैं। अहमद ज़ईम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद जी आप सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई बात नहीं। जी जी उस्मान, सबसे पहले तो आपसे सवाल है, तमाम लोगों को वेलकम। उस्मान सवाल ये है कि कंटिन्यूस मोटिवेशन के हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि हम अभी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ मोटिवेट करेंगे, उसके बाद एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन के बाद वो मोटिवेशन नहीं रहेगी, तो कंटिन्यूस मोटिवेशन के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए कंटिन्यूस मोटिवेशन के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि इंसान खुद की खुद मोटिवेशन होता है। किसी को आप देख के अगर इंस्पायर होते हैं तो मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि वो कुछ कर सकता है तो आप भी वो कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर सकता है और आप उसके पीछे चलें। आपका अलहदा एक सीन होना चाहिए, आप उसको लेके अगर चलते हैं, आप हाईली मोटिवेट हैं खुद को लेके, क्योंकि करना आपने हमेशा अपने लिए होता है, दूसरों के लिए कम ही लोग करते हैं। तो अगर आप खुद फिट रहना चाहते हैं तो इंटरनल मोटिवेशन अगर होगी तो आप कंटिन्यू कर सकेंगे, वरना आप पुश बैक करते हैं। एग्जैक्टली अच्छा मुजम्मिल आप बताएं आपकी क्या मोटिवेशन है? मेरी मोटिवेशन तो मतलब आजकल डाउन हुई है लॉकडाउन की वजह से, कुछ जो है ना रूटीन बहुत हेक्टिक हुई हुई है। बट ये है कि जो उस्मान के बड़े भाई हैं लाला रहील, वो वैसे खुद अपने आप में एक मोटिवेशन, उनको देख के वैसे बंदा मोटिवेट करता है। बट ये कि ये आपके अंदर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि लाइक मुझे बहुत ज्यादा इंजन होती है कि अगर मेरा थोड़ा सा बेली बाय राजे, लाइक मुझे बहुत ज्यादा स्टार्ट होती है, तो मुझे मुझे मैं कंसिडर नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को दोबारा, मतलब जो आज से 5-6 साल पहले था मैं, मतलब मोटा था मैं अपने आप को उसका कंसिडर ही नहीं कर सकता। तो ये आपके ऊपर खुद होता है कि आपने कितना मोटिवेट रहना होता है। बाकी ये होता है कि डिसिप्लिन, मतलब आपने डाइट क्या लेनी है, आपका फैट इनटेक क्या होना चाहिए, इवन इवन दो कि आपकी डाइट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है जो ये स्पोर्ट है। बिल्कुल, ये अभी आपने जो डिसिप्लिन की बात की, तो उस्मान आप बताएं कि आप ये जिम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा फिजिकल गेम है कि जो आपके डिसिप्लिन को बहुत बेहतरीन बनाती है, आपका अपना डाइट प्लान बताएं ताकि जो सुनने वाले देखने वाले हैं जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको एक मौका मिल जाए कि वो आपसे कुछ सीख लें, तो डाइट प्लान अपना बता दें ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए। डाइट प्लान देखें, डाइट प्लान नॉर्मल ही होता है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होता, वही आगे मैं बात कर रहा था, उनके चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं, बस उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे नॉर्मल रूटीन में बंदे 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, हमारा कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, हम वो थोड़ी इनटेक लेके उसको 6 से 7 मील कर लेते हैं। अगर हम सुबह देखें तो ब्रेकफास्ट में हमारा हो जाता है बॉयल एग्स हो जाते हैं, बॉयल एग्स के साथ हमारा ब्राउन ब्रेड और ब्लैक कॉफ़ी चलती है। इसके अलावा अपने जो आपका है स्टमक, उसे मतलब के कोल्ड रखने के लिए आप ले लेते हैं ग्रीन सैलड यूज़ करते हैं, और दोपहर में आप बॉयल राइस और चिकन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप नट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें फैट्स होते हैं, काफ़ी फैट्स होते हैं, पर वो हेल्दी फैट्स होते हैं। हेल्दी फैट्स को लेके रात को फिर आपका चिकन या फिर बॉयल कीमा हो जाता है, और ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन में ये चलता है। बाकी जब कंपटीशन डाइट में आते हैं तब आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट हो जाती है, तो उसके लिए 7 से 8 मील नॉर्मली चलते हैं। अच्छा मुजम्मिल आपकी तरफ आने से पहले, आपका डाइट प्लान जानने से पहले हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, काफी ज्यादा आए पड़े कमेंट्स शो करते हैं। हाँ जितने व्यूज हमें देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अच्छा जीशान अहमद कह रहे हैं बिग फैन, ओह ये फैंस तो ऑब्वियसली होंगे, ये ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस हैं आप तमाम। और जीशान अहमद ने फिर कहा है सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। साद लियाकत अली कह रहे हैं बिग फैन उस्ताद जी, क्या बात है। अच्छा इसके अलावा राहील रजाक, उस्मान आपके बड़े भाई, वेलकम उस्मान। ओए जी बिल्कुल लाइव देख रहे हैं आप सबको, इस वजह से वो। अच्छा मुजम्मिल अशरफ तो किधर
किधर है भाई बताएं जी? मुजम्मिल अशरफ इस वक्त प्रोग्राम में, असरदार इम्तियाज मेकर ने ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं नहीं लाला बहुत खाता है जैन भाई, इस बात का गवाह हूँ मैं, लव यू लाले। सर देखिए खाना तो पड़ता है, अच्छा ये खाना तो पड़ता है, जाकर कह रहे हैं लाल बताएं जी क्या हाल है, किस चीज का हाल ये पूछ रहे हैं, सॉरी मैं मिस कर गया। अच्छा इसके अलावा अहमद आपके इंटरनेट शायद फिर शुरू कर रहे हैं, अच्छा उस्मान भाई मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मुझे अगर आप परमिशन दें, वो मेरे हाल में अहमद भाई का तो इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, कहने को तो मैं आपका सीनियर हूँ लेकिन कोई पास खड़े करके ये नहीं बोलेगा कि आप डिपार्टमेंट विंग के सीनियर है, तो कोई मुझे ऐसी टिप्स दे कि मैं आपका सीनियर ही लगूं, मैं जूनियर ना लगूं, तो मुझे कोई अपनी डाइट के हवाले से, दरअसल मेरी सोने की रूटीन भी नहीं है, जब दिल नींद आ रही है तब सो रहा हूँ 2-3 बजे कभी फजर के बाद, तो डाइट के हवाले से कोई डिसिप्लिन के इस हवाले से कोई रूटीन, कोई डाइट को इतनी मुश्किल ना देना कि मैं पहली कह दूं नहीं मैंने नहीं करनी, कोई सिंपल सी मुझे टिप्स दे दे इस हवाले से। टिप्स के हवाले से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप सीनियर हैं तो मैं आपको सीनियर की तरह गाइड करूंगा, तो सबसे पहली जरूरी बात तो ये है कि रात की जो नींद है ना वो बहुत जरूरी है, अगर आपकी रात की नींद पूरी तो आपकी जो पूरे दिन की रूटीन है वो खराब रहती है, ना तो आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, ना आप अपने डाइट प्लान पे पूरी तरह तवज्जो दे सकते हैं, तो इसका बेटर यही है कि आप सबसे पहले तो आपका ब्रेकफास्ट नहीं मिस होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका लाजमी ठीक हो गया, वो मुझे नहीं याद मैंने 3 साल में किया यार लास्ट टाइम कब किया, यही बात है जो कुछ हम सेकंड टाइम वाले की रूटीन वैसे ही खराब होती है, 12:30 क्लास होनी होती है, हम उठते भी उस टाइम पे ही है, बिल्कुल यही बात है, यही बात है, पर उसके लिए आपको रेगुलरिटी लानी बहुत जरूरी है, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या आप हेल्दी नजर आना चाहते हैं तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, आपका ब्रेकफास्ट नहीं मिस होना चाहिए और जो आपके 3 से 4 मील रोजाना के होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट में आपके अंडे यूज हो जाएंगे, दूध यूज हो जाएगा, ब्रेड यूज हो जाएगी, और दोपहर में और रात में बॉयल चावल मस्ट है आपके, क्योंकि बॉयल चावल जो होते हैं उनमें कार्ब्स होता है और कार्ब्स को जब अच्छा, आप इनटेक करते हैं। हाँ जी चावल का ये पूछने लगा था कि चावल का इतना यूज क्यों करते हैं, चावल का बेसिकली यूज इस वजह से होता है कि ये हेल्दी कार्ब्स होते हैं और कार्ब्स को लेके ना पे आपके फैट्स नहीं चढ़ता, सिर्फ आपका जो बॉडी वेट है और मसल साइज है वो ग्रो करता है, मतलब कि वो लीन मोड में आपको थोड़ा हेल्दी फिट नजर आना शुरू हो जाते हैं आप, तो चावल हर बंदे की डाइट में ये मस्ट होने चाहिए, जहाँ आप रोटी खा रहे हैं आप वहां पे चावल कर दें, तो इस हवाले से को फास्ट फूड से भी आपको कोई कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए या फिर वो साथ साथ चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आई थिंक ये फैट बढ़ाते हैं हमारे, ये फास्ट फूड जितने हो गए ये बर्गर वगैरह ये वो। सर फास्ट फूड जो है ना वो बेसिकली जो होता है वो बिल्कुल छोड़ दें आप, उसकी जरूरत ही नहीं होती, आप मतलब के लीन डाइट में अच्छी डाइट लें, जो आपने फास्ट फूड पे पैसे जाया करने हैं वो अगर आप दिन का 2 किलो चिकन ले लेते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है आपके लिए, वही जो आपने 500 का बर्गर खाना है उसमें आपका 2 किलो चिकन आ जाएगा, वो पूरी आपकी प्रोटीन डाइट है। तो आपने ये कितनी देर हो गया, कितनी देर से स्टार्ट किया था ये, मतलब के ये शुरू से ही आप ये वर्कआउट कर रहे हैं या फिर अभी किसी ने कोई मोटिवेशन दी आपको और आप इसमें शामिल हुए? नहीं मैं शुरू से तो नहीं मोटिवेट कर रहा था, मुझे याद है जब मैं कॉलेज के बाद फ्री हुआ था तो मेरे जो बड़े भाई हैं राहिल रज़ाक उन्होंने मुझे पुश किया था कि जिम आया करो, खैर पहले 4-5 दिन तो नहीं गया मैं, ऐसे ही टालता रहा, तो बाद में जब उन्होंने ज़्यादा पुश किया कि आना ही आना तो उन्होंने मुझे शुरू में गाइड किया, खैर अभी भी वही मुझे ट्रेन करते हैं, शुरू से 3 साल हो गए हैं मुझे ना रेगुलर करते हुए, तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पुश करना शुरू किया, उन्होंने खुद डाइट प्लान देना मुझे, खुद उन्होंने ट्रेनिंग देनी,
तो फिर जब कंपटीशन की तरफ गए पाकिस्तान, मेंस फिजिक का कंपटीशन हुआ था पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आए थे, तो उन्हीं का वो जो था ट्रेनिंग उन्हीं के में थी और डाइट प्लान भी उन्हीं में था, बाकी जो सप्लीमेंटेशन थी वो भी उन्हीं की तरफ से थी। तो तब से फिर अपना माइंडसेट हो गया भाई करना है तो करना है, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में ये हाथ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। मुजम्मिल भाई आपकी तरफ आते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कितनी देर होगी आपको इसमें और किसने आपको मोटिवेट किया कि भाई ये स्टार्ट करो, ये जरूरी होता है बहुत फिटनेस के लिए। ना जैन भाई, मुझे काफी टाइम हो गया अब तो इस फील्ड के अंदर, लाइक मुझे इतना याद है, और मैं मोटिवेट बहुत शुरू से था। लाइक अब मेरी जो एज है वो 34 है, और मैं ऑलमोस्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं मैट्रिक के मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तब मैं घर में चोरी छुपे ये जनरेटर और बेड वगैरह उठा के अपना शौक पूरा करता था। मैं बेसिकली WWF को देखता था, तो घर वालों से इजाजत नहीं थी, घर वालों ने ये बोला था कि बहुत ज्यादा पैशनेट थे। हाँ, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था, शुरू से बहुत ज्यादा पैशनेट था। तो ये है कि मुझे घर वालों ने ये कहा था कि आप सेकंड ईयर पास करोगे तो हम आपको अलाउ करेंगे बाहर जाना ना, क्योंकि वही ऑल दैट फैक्टर की एज, आपका हाइट रुक जाती है एंड फलां फलां फलां। तो खैर अल्लाह, मैंने भी बोल, हाँ, तो मैंने अपनी सेकंड ईयर पास की, उसके बाद जिम ज्वाइन किया, तो फिर लगातार मैंने कोई 4-5 साल लगातार मैं मतलब ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैं स्टूडेंट वीजा पे चला गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा जो है ना टफ हो गई थी, आपका वर्क कैजुअल और स्टडी जो थी ना वो मुझे नहीं देती थी कि मतलब मैं वहाँ पे वर्कआउट कर सकूँ, तो मैंने 2-3 साल वहाँ पे छोड़ दी वर्कआउट ना। फिर मैं वापस आया पाकिस्तान मेरी शादी के बाद, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जिम सरगोधा में ज्वाइन शुरू की, तो अभी मुझे जो रेगुलर हो गया दोबारा तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और ये मैं फायर हाउस फिटनेस उसामा के साथ ही जो है ना इसके साथ ही लगाता हूँ। तो ये है कि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है और जो मेरी जर्नी है वो काफी लॉन्ग है, और इस फेज में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा वेट में भी देखा, लाइक मैं मैक्सिमम 105 तक गया हुआ हूँ, और मिनिमम जो मेरा वेट लूज हुआ हुआ है इसी पीरियड के दौरान वो मेरा 69 तक गया हुआ है, लाइक 29 वेस्ट तक। तो ऐसा है मेरा। तो मुझे लग रहा है कि जैन भाई का जो है ना नेट का इशू आ रहा है आज, इंटरनेट का पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। तो हसन भाई डायरेक्टर साहब खुद प्रोग्राम में आ गए हैं, मुझे आना पड़ा है, दरअसल इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है जैन का। और रहील भाई काफी कमेंट कर रहे हैं इधर, हम क्योंकि मैं देख रहा हूँ, तो हम लोग चाहते थे कि वो भी हमें ज्वाइन करते। जिम कितनी दफा जाने की ट्राई कर चुका हूँ, और आई थिंक मैं कुछ 6 महीने बाद मुझे कोई कहता है यार नहीं नहीं करो जिम ज्वाइन करो, और मैं 2 दिन जाता हूँ या 3 दिन जाता हूँ, फिर थाके कहता हूँ यार नहीं छोड़ो। सरगोधा में भी मैं रहा हूँ, तो एक दफा वो जो जी हसन भाई इंशाल्लाह जैन आप करोगे। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, वो ये है कि क्योंकि बेसिकली हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया यूथ के लिए, ताकि यूथ को हम इंटरटेन भी करें, उनको मोटिवेशन भी दें पाकिस्तान की यूथ को। हमारा जो मिशन था वो मोटिव था, हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी फायर हाउस के साथ अटैचमेंट करके हम इस तरह के सेशन रखेंगे, और बकायदा हम लोग एक प्लान करें कि हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो, क्योंकि उस्मान जो है वो हमारे मीडिया का स्टूडेंट है, हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम उस्मान का एक परमानेंट जो प्रोग्राम है वो भी यूथ मीडिया नेटवर्क पर लेते हैं। तो आप लोग क्या जो है वो मोटिवेशन दोगे यूथ को, क्या उनको कहेंगे कि इन दिनों में ये एक टाइम उनको मिल गया है, इन दिनों में वो वर्कआउट करके फिटनेस अपने आप को फिट रख सकते हैं, उस हवाले से? इस हवाले से अगर हसन भाई देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि जो टाइम इन्हें मिला है ना, ये इनके लिए बेनिफिट भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी जा सकता है। अगर ये आज खुद को नहीं संभाल सकते तो कल मुझे नहीं लगता कि ये खुद को संभाल सकेंगे। तो अगर ये अपनी डेली रूटीन में से भी 1 घंटा या आधा घंटा निकाल लेते हैं ना खुद की मोटिवेशन के लिए, लेकिन अब तो मतलब कि यूट्यूब भरी पड़ी है मोटिवेशन से, आपके जो भी आपके गेम्स हैं कार्डियो स्टफ है ये वो, अगर आप यूट्यूब से भी देख के कोई 15 मिनट की एक्सरसाइज कार्डियो में घर लगा लेते हैं, तो आपका इतना स्टेमिना बूस्ट अप हो जाएगा कि आप लॉकडाउन के बाद जिम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हफ्ता जो होता है वो गेम करने का आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अगर पहला हफ्ता आप निकाल गए और खुद को मोटिवेट कर लिया तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मुजम्मिल भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम है बड़ा गोल्डन पीरियड है, जैसे
उस्मान ने कहा कि इसमें आपने मतलब खुद एवेल्युएट करना है अपने आप को कि आप अपना जो लाइफ का जो ट्रैक है किस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप हैप्पी हो कि आपका जो बैली है वो निकला हुआ है और आपका कोई मसल नहीं है और मतलब आप की पेन टाइट है जो भी है तो खुश रह सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी है कि नहीं यार मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने अच्छा लगना है, एक्चुअली जब आप 35-40 ईयर क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद अगर आपने अभी से अपनी बॉडी में जो चीज भी डाली होगी लाइक आपकी बॉडी में फैट इनटेक कम होगा, शुगर कम होगी, तो इवेंचुअली ये आपको आगे जाके भी हेल्प करेगी। लाइक आपको डायबिटीज की बीमारी जो है आप उससे बचेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, और इस तरह की बेशुमार बीमारियां जो आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में आती है। और दूसरा ये कि अगर किसी कोई आदमी या कोई लड़का चाहता है कि वो अपने इस दौरान इस पीरियड के दौरान जो है अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो मेरा उसको मशवरा यही है कि वो यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे होम ट्यूटोरियल के वर्कआउट्स हैं वो देखे और उसको मतलब स्टार्ट करे। इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा तो करना चाहिए होगा लेकिन वक्त के साथ साथ बन जाएगा। चले मैं भी इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात किया वाकई, और ये ऐसे ही होता है, दो दिन स्टार्ट करते हैं हमें, लेकिन ऐसा है कि मैं आपसे बात करता रहूंगा किसी ना किसी कंटेंट से ताकि आप मुझे मोटिवेट करते रहे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछने से पहले आई थिंक हमें कमेंट ले लेना चाहिए, इजी अगर आप आ गए तो आप कमेंट ले लें। हसन भाई कमेंट तो शो कर दें, रहील भाई भी कमेंट कर रहे थे अभी, उनका मैंने कमेंट पढ़ा था के लाले बिग फैन रहील रज़ाक, ये मेरे हाल में छोटे भाई को तो नहीं कह रहे होंगे, ये मुजम्मिल भाई को ही कह रहे होंगे बिग फैन। उसके बाद साथ लियाकत अली कह रहे हैं उस्मान रज़ाक आई लव यू जी, उस्मान रज़ाक के लिए बहुत ज्यादा प्यार। हबीब को कह रहे ज़ैन तू ते रहने दे, वो देखा ये मेरे दोस्त ना वो मेरे जानते हैं, उन्हें पता है मैं जाके दो दिन कहता हूँ नहीं भाई भाई मैंने नहीं अब बस जाना। उसके बाद हमाद अजीज सैदी कह रहे हैं उस्मान तुम ऐसे तो नहीं थे, तो आपने आई थिंक ये जो लंगोटिया यार होते हैं ना जिनको पता होता है वो कुछ ना कुछ जरूर आके बोलते हैं। रहील रज़ाक भाई कह रहे हैं लाले यारा मेरा तो आंसर ही नहीं दे रहा यूट्यूब पर, अगर जाना है तो उनका कमेंट चला गया। एक उनका कमेंट में ये पढ़ा था कि आप सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखें और कुछ भी ना करें आप फिट रहेंगे। YouTube पर अगर जाना है तो इधर क्यों बैठा हुआ है, उस रहील भाई ने कोई कमेंट ऐसा किया। खैर ये तो चलती रहेगी, भाई भी या उनके दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो मैं आपकी तरफ आऊंगा उस्मान भाई। आप ने ये स्टार्ट किया और आपकी आई थिंक जो लोग आपको जानते हैं ज्यादातर इसी वजह से जानते हैं, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आप इसी चीज में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके बड़े भाई भी इसी में हैं, या फिर आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा आप कुछ अलग स्टेप लेना चाहते हैं अगर फ्यूचर के हवाले से पूछें आपसे? अगर फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से हूँ कि इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड किया जाए। बेसिकली हमने जब शुरू किया था ये काम तो हमने बिजनेस को लेकर नहीं स्टार्ट किया था, एज ए फिटनेस के तौर पर किया था कि लोग इंस्पायर हों और अपना कुछ ख्याल करें। तो अभी सरगोधा में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम बन चुका है कि लोग जानते हैं सारे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको किसी और आगे ब्रांच में कन्वर्ट करके दूसरी ब्रांच ओपन की जाए ताकि जो लोग हैं जो यहाँ पे नहीं अप्रोच कर सकते, 47 पुल पे हमारा जो क्लब है वहाँ नहीं अप्रोच कर सकते, तो उनके थोड़ा और नज़दीक कर दिया जाए ताकि वो उन्हें एक लो कॉस्ट में एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी सेहत के बारे में गुड हो सके और इस तरह ज्वाइन कर सके हमें। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो गया तो उस जी जी आपकी आवाज आ रही है, मैं ज़ईम आपकी आवाज। अच्छा मैं ना सॉरी फॉर इंटरप्शन, पता नहीं क्या मसला आ गया। अच्छा ये ना एक क्वेश्चन है नौजवानों के हवाले से, ये सरगोधा के हवाले से आप क्या रुझान देखते हैं नौजवानों का, और ये जो भी नौजवान आते हैं आपकी जिम में तो पहली ख्वाहिश उनकी क्या होती है? कुछ तो मैं देखता हूँ कि कुछ तो कहते होंगे कि 15 दिन के बाद हमने ऑल लंच शरद फैकल बन, तो आपके क्या ख्याल हैं इस हवाले से, क्या ख्वाहिश रखते हैं? आजकल अगर नौजवानों को प्रस्पेक्टिव देखा जाए तो आते साथ उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमारे एब्स कितने दिन में बन जाएंगे। एब्स बनाना
अच्छी बात है, पर इतना अगर आप एरिया के हवाले से देखें तो आपको मतलब कि जो हमारा एरिया है वहाँ पे इतनी गर्मी भी है, आप इतनी डाइट मतलब कि स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकते कि आपके ऐप डेवलप हो सकें। उसके लिए 8 मील के साथ आपको 3 टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो स्टमक होता है वो वार्म अप हो जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से जो मैं यही इन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना वेट गेन करें, और इतना वेट गेन कर दें कि आप अगर शर्ट उतारें तो मतलब कि बिल्डर नज़र आए, वरना एब्स आपके यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। तो वेट गेन करें पहले, उसे 80-90 पे लेके जाएं, फिर अगर वहाँ पे आप कट मारना शुरू करेंगे तब आपके जाके एब्स डिवेलप होंगे और प्रॉपर आपकी फिजीक आएगी। वरना अगर आप एब्स में पड़ जाते हैं तो आपका शोल्डर नहीं ग्रो करेगा, आपके बाजू नहीं ग्रो करेंगे, मतलब कि जो बाकी बॉडी वेट मसल्स हैं वो आपके इतने ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। आई थिंक दोनों का नेट जो है वो मसला कर रहा है, तो मैं ही शो को कंटिन्यू करता हूं। तो मदरत आज कोई बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है हमारे ट्रांसमिशन में, और मैं दरअसल चाह रहा था कि अगर हम रहील भाई को भी लाइव लेते, उनका एक कमेंट आया था मुजम्मिल भाई के लिए, वो कह रहे थे कि अगर लोगों ने यूट्यूब पे ही जाना है तो आप लोगों को हम लोगों ने लाइव क्यों भेजा या लाइव क्यों लिया है आज। सर जो रहील भाई है ना, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, और वो मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह है। मेरा उनके साथ तकरीबन जो एक कॉन्टेक्ट है, ताल्लुक है, वो तकरीबन 2-2.5 साल से है, और वो जो इस टाइम इस पे जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो सब प्री प्लान हो चुका है इन ग्रुप का, लेकिन फिर भी मैं उसको आंसर देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि लाला रहील हम लोगों को सिर्फ इसलिए यूट्यूब का गाइड करें क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल उनको करके नहीं दिखा सकते लाइव, तो उसका भी मैं इनको आपके डायरेक्टर जो हैं हसन भाई और जैन भाई को बोलूंगा कि कोई एक इसका प्रोसीजर बनाए कि उस्मान जो है वो लाइव वर्कआउट छोटा ट्यूटोरियल जो है छोटा सा बना के अपने आप अपने जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। तो हम इस हवाले से मैं बल्कि पहले बात भी कर रहा था मुजम्मिल भाई, मैं बात कर रहा था कि हम लोग उस्मान रज़ाक से टाइम लेके, बल्कि टाइम क्या लेना है, हम इनकी जो मसरूफियात है उसमें से इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम देना है, तो हम लोग इंशाल्लाह एक बकायदा फायर हाउस के साथ मिलके हम लोग एक जो है वो लाइव ट्रांसमिशन इन दिनों में रखेंगे रमज़ान में, ख़ास तौर पे कि ये लाइव आए और ये डिफरेंट लोगों को इनवाइट करें, जिसमें मैं चाहूँगा अगर रहील रज़ाक मेरी आवाज़ सुने, मैं चाहूँगा कि आप उस शो की सदारत करें और वो दोनों प्लेटफॉर्म से लाइव जाए और ऑडियंस जो ख़ास तौर पर यूथ को कि रमज़ान के दिनों में वो कैसी फिटनेस है। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से, खासतौर पर उस्मान आपसे, वो क्वेश्चन ये था कि लाइक एक मोटिवेशन तो आपको मिल गई, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक आप जिम में जाते हैं तो जिम में एक कंसेप्ट ये पाया जाता है फैमिलीज के अंदर मोस्टली, वो कंसेप्ट ये पाया जाता है कि जिम में जब जाते हैं वो कहते हैं लो जी आप जिम करने लग गए हो, आप तो नशों पे लग जाओगे, आप तो ड्रग्स पे लग जाओगे, वहाँ पे जो ड्रग्स ली जाती हैं, इस हवाले से क्या मतलब लोगों को खासतौर पे फैमिली जो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है खासतौर पे इस माशरे के अंदर पाया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हसन भाई, ये एक नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो आपको बैक पुश करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो फैमिलीज़ का ये कंसेप्ट है कि अगर हम अपने पीछे देखें तो उन्होंने कभी जिम ज्वाइन ही नहीं किया, उन्हें इस टेक्निक का पता नहीं है, तो जिन ड्रग्स की वो बात करते हैं वो एक्चुअली ड्रग्स नहीं होते, वो प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारी जो डेली रूटीन की जो डाइट है वो भी प्रोटीन डाइट ही होती है, तो वो एक सैचुरेटेड फॉर्म में पूरा आपके चिकन से, एग से, फिश से, वो जो सैचुरेटेड फॉर्म में प्रोटीन लिया जाता है वो एक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस पाउडर को हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये अगर उनका माइंड सेट बना हुआ है तो अगर उन्हें हम अच्छी तरह ये क्लियरिफाई कर देंगे ये ड्रग्स नहीं है, तो आई थिंक ये उनके लिए अच्छा होगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपने देखा? जी बिल्कुल, ऐसे कंसेप्ट तो चलते रहते हैं, अगर हम फैमिली में ना भी देखें तो जो न्यू मेंबर्स आते हैं जिम में वो यही कहते हैं सर आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, आप ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो अब फिर उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि ये चीज़ को ऐसे लेके नहीं चलते हम, ऐसे लेके चलते हैं, तो माशाल्लाह से सबको क्लियरिफाई करके ही भेजते हैं और फुल सेटिस्फेक्शन के साथ।
तो उस्मान भाई मैंने तो ये भी सुना हुआ है कि जो एक नया बंदा उसे इस चीज का बिल्कुल नहीं पता होगा, वो सुनी सुनाई बातों पे अमल करता है और यही वो उसी कंसेप्ट के साथ चल रहा होता है, नहीं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, फिर जब आप उसका अल्टरनेशन उसे दोगे तब भी वो उस पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि जब तक लेते रहे तो फिर बंदा फिट रहता, जब ये छोड़ दो आप बैग अपनी उधर ही वापस आ जाए, तो क्या इस ये भी सच है या फिर ये भी ऐसे बातें बनी हुई है, उसमें क्योंकि फैट होते ऐसे होते हैं जो आपको फुला देते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम कर ला आपका, आपको आवाज नहीं आ रही ज़ैन की? नहीं ज़ैन भाई की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं दोबारा बोलता हूँ, अब आपको मेरी आवाज आ रही है, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? ज़ैन वो आपको सुन नहीं पा रहे, वो मुझे सुन पा रहे हैं। तो एक कमेंट आया रहीद रज़ाक का, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो कह रहे कि बच्चों के साइड पे करें और हम खुद आएंगे आपके शो में, तो उनको बताते चलें कि बेसिकली जब एज अ डायरेक्टर मैंने इस शो को लेना था तो मैंने आप दोनों भाइयों को इनवाइट करना था, मुजम्मिल भाई को भी इनवाइट करना था, साथ कोई ऐसे और नौजवानों को भी इन्वाइट करना था। तो रहील भाई आप अगर आना चाहते हैं तो उस्मान भाई, रहील भाई को क्यों नहीं लिया आपने साथ? सर वो एक्चुअली थोड़े से बिजी थे, वो घर पे थे नहीं, तो प्लान तो यही था कि हम दोनों करेंगे और साथ मुजम्मिल भाई को इनवाइट करेंगे, तो उसकी वजह से वो अचानक उन्हें जाना पड़ गया, तो फिर इस वजह से हम उनको साथ नहीं ले सके। आई थिंक अभी वो ड्राइव में कर रहे हैं तो वो साथ साथ कमेंट भी करी जा रहे हैं, तो नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ लाएं। उस्मान भाई अब आपको मेरी आवाज आ रही है? उन्हीं को मोटिवेशन लेके इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह उन्हीं को हम अपना मोटिवेटर समझेंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं उस्मान भाई? मुजम्मिल भाई आपको आवाज आ रही हो मेरी? जी ज़ैन भाई मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो उनको आई थिंक उस्मान भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही। तो अभी ये सप्लीमेंट की बात हो रही थी, तो ये प्रोटीन वगैरह यूज करने की बात हो रही थी, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये जब तक इंसान यूज करता रहे ना तब तक ये फिट रहता है, और जब ये छोड़ देना वो बैक स्टेज पे आ जाता है, मतलब कि बैकवर्ड चल जाता है, वो फायदे की जगह पे उसका नुकसान हो जाता है। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, तो क्या इस हवाले से आप क्या बताएंगे, ये सच है या फिर ऐसा कुछ होता है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज होती है जो आपको वो स्ट्रॉन्ग रखती है और जब वो छोड़ दो तो आप वो बैकवर्ड आ जाते हैं? नहीं सर ऐसा कोई चीज नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ होती है लोगों की, लाइक बड़े डब्बे देख के और घबरा जाते हैं कि इसके अंदर पता नहीं पाउडर में क्या है, ये क्या चक्कर है। ऐसा कोई चीज नहीं, प्रोटीन हम डेली बेस पे ले रहे होते हैं, मीट से, फिश से, चिकन से, हर चीज से ले रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 25 ग्राम प्रोटीन लेना है तो इसका मतलब है आपको कम से कम एक अंडे के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आपको देखना है वो कितने अंडे खाने पड़ेंगे। तो प्रोटीन पाउडर इजी फॉर्म होता है कि ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को चाहता है आपने इंटेंस वर्कआउट करना होता है, तो बेसिकली जो आपका मसल होता है वो प्रोटीन से ही बनता है। आपका वाटर इनटेक अच्छा हो, आपका प्रोटीन अच्छा हो, आपके कार्ब्स अच्छे हो और आपका फैट मिनिमम लेवल पे हो, तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। बेसिकली ये इन चीजों को हम बॉडी बिल्डिंग की लाइन में मैक्रोस कहते हैं, फैट प्रोटीन, इनका जो मेजरमेंट होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपने कई जगह देखा होगा कि लोग जो है वो नाप तोल के खा रहे होते हैं, एक ग्राम ऊपर ना हो एक ग्राम नीचे ना हो, खासतौर पर जो बॉडी बिल्डिंग, तो वो बेसिकली अपनी मैक्रोस का ख्याल रख रहे होते हैं। और जो ये आपने बात की कि अगर सप्लीमेंट यूज करोगे तो आप ग्रोथ करोगे नहीं करोगे तो नहीं करोगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप सप्लीमेंट मैं कहता हूँ 10 की जगह 20 डब्बे मार लो प्रोटीन के या वेट गेनर के, जब तक आपकी डाइट, जब तक आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, मतलब कि आप तो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, आपकी बॉडी को रिकवरी नहीं मिल रही, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। खाली डब्बे या पाउडर अंदर इनटेक फेंकने से कुछ भी नहीं होगा, ये 3-4 चीजें हैं जो इनका मिक्सचर है और वो फिर आपको कंबाइन करते हैं आप उसको, और तब आपकी बॉडी ग्रो करती है और आपकी आपका जो अच्छा एक कमेंट आया अभी जी, तो कि अरसलान कहते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, उस्मान भाई जी वेट गेन नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए उनको, वेट गेन नहीं कर रहे वो? सर
सर मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि वो मुझे पर्सनली आके मिले, जरा मैं उनका बताता हूँ प्रो टिप्स के वेट कैसे गेन करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वेट गेन इसी वजह से भी नहीं होता कि आपकी डाइट नहीं है प्रॉपर। अगर आपकी डाइट थोड़ी सी प्रॉपर है और आप इंटेंस वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन नहीं होता। वेट गेन के लिए आपको ज़रूरत होती है 8 से 7 मील होते हैं, और जो आपका बॉडी वर्कआउट होता है वो मिनिमम 30 से 45 मिनट का होता है, जिसमें आप 3 सेट में 8 या 10 रेपिटेशन में खेलते हैं। अगर ये आप थोड़ा सा फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा 30%। जी जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा आपको हम डिले करवाएंगे अभी क्योंकि हम लोग अभी शो में आ चुके हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था, अभी डिस्कशन एक हो रही थी कि YouTube के हवाले से कि YouTube पे तो आप लोगों का कोई प्लान नहीं है, लाइक अगर हम देखें पब्लिक जो है वो Facebook पे ज़्यादातर आती है, लेकिन YouTube पे भी फायर हाउस कोई इस तरह की एक्टिविटी करने जा रहा है कि वहाँ पे भी कोई ऐसे टिप्स वगैरह शेयर करें या इस तरह कोई प्लेटफॉर्म अपलोड रेडी करें? जी हमने पूरा प्रॉपर प्लान किया था कि हम अपना एक यूट्यूबर चैनल बनाएंगे जिस पे हम रोज़ की मोटिवेशनल वीडियो डाल दें या आपका अपना बॉडी वर्कआउट के साथ जो है वीडियो अपलोड करें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लान हैं वो जो रह गए हैं जिन्हें हम नहीं प्रॉपर कर सके। तो इस पे थोड़ा हमारा काम जा दिया, इंशाल्लाह महीने तक या 2 महीने तक रमज़ान के बाद हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे कोई भी जो हमारा न्यू स्टूडेंट है या कोई भी कस्टमर है वो आराम से हमें अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आउटडोर एक्सरसाइज और इंडोर जिम का डिफरेंस बता दें, इन दोनों की अहमियत का अंदाज़ा बता दें, क्योंकि कहते हैं कि आउटडोर एक्सरसाइज में फ्रेश एयर का एक फैक्टर होता है लेकिन इंडोर में वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें। पहले मुजम्मिल साहब आप। जी यार, आउटडोर एक्सरसाइजेज और इंडोर एक्सरसाइजेज में डिफरेंस यही है कि अगर आप पर्टिकुलर जिम के हवाले से देखें तो आउटडोर में आपको जो है ना वो फैसिलिटीज मिल सकती है, बाकी आउटडोर एक्सरसाइजेज में रहेगी आपकी जॉगिंग होगी, आपकी साइकिलिंग होगी, स्विमिंग होगी, वॉक होगी, ये वैसे भी एसेंशियल एक्सरसाइजेज हैं, आपको करनी चाहिए, आपके हार्ट के लिए बेहतर होती हैं, आपका स्टेमिना बूस्ट करती हैं, एंड्योरेंस को मजबूत करती हैं और ज्यादा बढ़ाती हैं। और इंडोर एक्सरसाइजेस में अब जिम हो गया, ठीक है ना, अब आपने टेनिस हो गया, टेनिस भी इंडोर एक्सरसाइज में आएगा, बैडमिंटन हो गया इंडोर एक्सरसाइज में आएगा। अब आपको असल में मसला ये है कि पहले आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, लाइक आपने खाली फिट रहना है या फिर आपने अपना मसल मास को इंक्रीज करना है। अगर मसल मास को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपकी स्विमिंग आएगी और आपका ये जिम और पावर लिफ्टिंग आएगी। अगर वैसे फिट रखना है तो फिर आप इंडोर में तो इवन दो कि लूडो भी है जो आजकल ज्यादा खेली जा रही है मेरा ख्याल से हर घर में, तो इतना ये चीजें हैं लूडो के हवाले से ना। लूडो के हवाले से आप तो बताएं थोड़ा, अगर जैन आपको आवाज आ रही है तो लूडो के हवाले से मेरा वर्ड लूडो, आप मेरा वर्ड आजकल जनरेशन जो लूडो खेल रही है मेरा वर्कआउट में कह रहा हूं है ही लूडो है। मुजम्मिल भाई जी जी वर्कआउट हो सकता है। उस्मान भाई जो लूडो स्टार खेली जा रही है या पबजी खेली जा रही है वो कैसे, मैं नहीं समझता, कल हमने इस पे एक शो किया है। अच्छा आपने उनकी दरअसल बात नहीं पिक की, वो कह रहे हैं कि अगर आपका कंसेप्ट ये है कि इंडोर वर्कआउट डिफरेंट है तो इंडोर वर्कआउट में आपकी लूडो भी आती है, वो इंडोर गेम्स में आती है, उन्होंने इस परस्पेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश की थी। बाकी उसका फिजिकल रूटीन से आपका लूडो का कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ लगी थी लेकिन अब हमारी ऑडियंस है ना वो उसको और साइड पे ले जाएगी, वो कहेगी इंडोर में लूडो आ गई है तो लूडो स्टार भी है भाई। क्योंकि यहाँ फैट्स मारने और गोटी मारने में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। लाले मुजम्मिल अशरफ खुद आप सुबह 11 बजे हो और तो ये सही है अपना आपका पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हम आपको सुन नहीं पा रहे।
थोड़ा सा इंटरनेशनल कनेक्शन आ रहा है आपका। एम ज़हीन का जो नेट है ना वो पीटीसीएल वालों का नेट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला कर रहा है। अभी अरसलान भाई कह रहे थे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। राहिल भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमने लाइव उनको इसीलिए लिया कि आप किसी भी हवाले से कोई अपनी फिटनेस के हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम किसी चीज में फेस हो रही है तो आप बिला झिझक हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि स्टार्ट में बताने, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अगर आप लोग इन लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमें हमारे इनबॉक्स में मैसेज करें, हमारी टीम वहाँ पे रेडी है, आपका जैसे ही मैसेज रिसीव होगा हम लोग जो है वो आपका आपको स्ट्रीम में अपने साथ लाइव ले लेंगे। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन ये भी है आपसे कि रमज़ान आने वाला है, क्योंकि रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने के बाद अक्सर हमारी यूथ जो है, खासतौर पर यूथ जो हमारी है, क्योंकि हम लोग लोगों को मोटिवेट भी करना है, लोगों को एजुकेट भी करना है, तो यूथ क्या करती है सारी रात जागा, ठीक है, गेम्स की सारी रात, सारा दिन रोज़ा रखने के बाद सो गया। उसको आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये ठीक रहती है हेल्थ के लिए कि आप रोज़ा रख लें और उसके बाद आप सारा दिन सोते रहें और रात को खाना खाया और उसके बाद बेड पर लंबे पड़ गए और कहा बस अब मुझसे हिला नहीं जा रहा हूँ, उस हवाले से? नहीं, अगर इसको देखा जाए तो ये अच्छा एक प्रस्पेक्टिव नहीं है। अगर आपने रोज़ा रख के सोना ही है तो फिर रोज़े का क्या फ़ायदा? अगर आप उस हवाले से देखा जाए तो नमाज भी आपकी एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, जिसको आप मतलब कि तीन टाइम अदा करेंगे दिन की रूटीन में तो आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज है। आप रोज़ा खोलें और रोज़े के बाद अगर आपकी तरावी पढ़ें, उसके बाद बहुत सारे जिम्स हैं जो मतलब कि रमज़ान में अफ्तारी के बाद ओपन हो जाते हैं, तो आप उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि आप अफ्तारी के बाद अफ्तारी थोड़ी करें, उसके बाद अपना वर्कआउट करें, फिर रात को जो आपने डाइट इनटेक करनी है आप वो ले लें। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आप बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आप दोनों से है, दोनों से, ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को मजबूर करती है कि बस वर्कआउट करना है, गेम करनी है? ऐसी क्या, कुछ लोग होते हैं वो गेम करते हैं जी कि मैंने लोगों को दिखाना है, ऐसी क्या चीज है जो कि आप लोग दोनों को, खासतौर पर मुजम्मिल भाई आपको और उस्मान भाई आपको? या मेरा जो सीन है, मेरा तो डिफरेंट सीन है, लाइक मैं मॉल पे होता हूँ तो सुबह 11 से लेकर तकरीबन 8 बजे तक मैं मॉल पे होता हूँ, जिसमें मेरी मैं मेंटली भी एग्जॉस्ट हुआ होता हूँ और फिजिकली भी एग्जॉस्ट हुआ होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्टेपिंग करता हूँ जिम के अंदर तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। लाइक मैंने अपना जो प्री वर्कआउट होता है वो लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ। बेसिकली आपकी एक मोटिवेशन होती है, और मेरी मोटिवेशन ये कुछ इस वजह से भी जिंदा है क्योंकि मुझे जो जिम के मेरी एक कंपनी है, उस्मान हो गया, ये रहील हो गया, उसके बाद हमारे और चंद दोस्त हैं वो हो गए, वो मुझे बहुत अजीब है, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी कंपनी बनती है, एक गपशप होती है, ज़हन फ्रेश हो जाता है, तो घंटा दो घंटा इनके साथ गेम लगाए, इनके साथ गपशप मारी, उसके बाद घर आए और सोए और फिर अपना खाना वाना खाया। तो मतलब मेरी ये एक लाइफ स्टाइल चल रहा था लॉकडाउन से पहले। रहील भाई का एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं ज़हन भाई आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, तो वो उनका कमेंट मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं जी स्विमिंग करने हम क्या लूडो वाली नहर पे जाए हम लाले? लूडो वाली नहर पे जाए या आप जिम खाना जाए, ये डिपेंड आप पे करता है, आपको पानी चाहिए जिसमें आपने तैरना है। अच्छा इसके अलावा जिम के अलावा क्या चीजें आप? रहील भाई ने एक और कमेंट किया है कि जी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आएंगे, और हम भी चाहते हैं कि आप आए, जरूर हम इंशाल्लाह लेंगे। हसन इनको आपने काइंडली लाजमी लेना शो में। एक और भी मजे की बात बताते चलूं, चिराग जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप लोगों को पता होगा चिराग भी जाता है जिम करने, तो उसके साथ डेली रहील भाई उस्मान भाई मेरा प्लान बनता है कि आज यार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में रूटीन सख्त होती है। अब कुछ आके कुछ चेंज मतलब हुई है, ये सेमेस्टर एंड होने वाला है तो अब हम लोग जरूर इंशाल्लाह मुलाकात भी होती रहेगी आपके साथ। मैं हसन भी हसन मैं क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ। जी जी, ये जो रोजों में पकोड़े समोसों का कॉन्सेप्ट है, ये फिटनेस के हवाले से इसका क्या करदार है, ये आपके फिटनेस में कितना असर डाल सकता है? ये ऑयली चीजें हो गई और ये जो हम रमजान में बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आपकी आवाज जो है वो मान भाई को नहीं आ रही और मुजम्मिल भाई को आपको आपकी आवाज आ रही है, तो फिर एक सीन इस तरह मुजम्मिल भाई आप क्वेश्चन करें मुजम्मिल भाई से,
और मैं क्वेश्चन करूंगा उस्मान भाई से, तो इन दोनों से मेरा क्वेश्चन हो गया मतलब भाई इन दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट आया, वो कह रहा है, बंदा कह रहा है जी, कौन है जी, हबीब खोकर कह रहे हैं जी, सर मैं मोटा होना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पतला हूँ, जैन तुम्हारी तरह एक्स्ट्रा पतला है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, उनका कमेंट कोट किया था चौधरी अरसलान हमसाई का, अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो आपको वही, अगर आपका डाइट प्लान नहीं है, कुछ लोगों का स्टमक ऐसा होता है कि वो अपनी डाइट को ज्यादा अच्छी तरह कंज्यूम नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हमारा खाने का दिल नहीं करता, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और ज्यादा खाएं। थोड़ा थोड़ा खाने का मतलब ये है कि अगर आप दिन में 4 दफा खा रहे हैं तो आप वही मील डिवाइड कर लें 8 मील पे, 7 to 8 मील आप कर सकते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, वो जब आपकी डेली रूटीन स्टमक उसके गेन करना शुरू कर देगा या लेगा तो उसको फिर आप अच्छी तरह कंज्यूम भी कर सकेंगे। इसके साथ आप अगर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं तो वो आप इस वजह से आप वर्कआउट शुरू करें, इंशाल्लाह आपका वजन गेन हो जाएगा। नहीं तो देसी टिप जो है मोटा होने की यही है, जब तक वो सीरियस होके किसी जिम वाले को मतलब ट्रेनर को नहीं मिलते थे बेटा, ढेर सारा जो है केले का मिल्क शेक ये भूल जाए आप और मतलब पैटर्न टेक कर तो भूल जाए। नील भाई का एक कमेंट है कि जिम खाना में पंजाब मेगावाल की वालों की मेंबरशिप है, तो जो जिम की नहीं है वो क्या करे, वो कैसे जाए। वो तो उन्होंने खुद ही फिर आइडिया बता दिया था ना, लुडोली नहर जिंदाबाद। तो आई थिंक मुझे वो यूस इमरान शिगरी साहब का एक जैन सिर्फ क्वेश्चन कर लूं, आप लोगों का फेवरेट जिम स्टार कौन सा है, बॉडी बिल्डर जिसे कह सकते हैं आप दोनों का? आइडियल या मेरा जो है, मैं मतलब वो मैं नहीं जाता, मुझे वो चीज नहीं पसंद कि आपका बहुत ज्यादा हैवी मास हो, मुझे फिटनेस मॉडल पसंद है, मतलब मुझे स्टीव कुक का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपका स्टीव कुक आजकल बेहतर है, राइन टेरी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इस तरह के जो मेंस फिटनेस कैटेगरी के लड़के होते हैं मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत ज्यादा प्रो में नहीं अच्छा लगता, जैसे जो प्रो होते हैं वो नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जैसे मुजम्मिल भाई ने बात किया, बहुत ज्यादा प्रो जो है वो मतलब कि सूटेबल नहीं रहता, ये हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है ये ज़्यादा लाइक करती है लीन मैस हो और ज़्यादा कट में हो, तो मेरा भी उसी तरह से वही कंसेप्ट है कि जैसे फिटनेस मॉडल ही हैं, जैसे रियान टेरी हो गया, जर्मी बुंदिया हो गया, ये सारे फिटनेस मॉडल हैं जो मतलब कि हमारे लिए इंस्पायरेशन भी हैं और मोटिवेशन के तौर पर भी हम इन्हें लेते हैं। ओके हो गया जी, जैन आप कोई क्वेश्चन करना चाहते? मैं यही उस्मान भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो ये वो पिछला क्वेश्चन ही मैं पूछूंगा, ये इमरान शिगरी साहब ने भी एक पूछा है कि रमज़ान में क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, समोसे पकौड़े ये वो, तो ये हमारी डाइट पर कैसे इफेक्ट करती है? रमज़ान में आपकी डाइट सिंपल होनी चाहिए, मतलब आपको आपने अफ्तारी की है, आप पानी पिए, खजूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद बॉयल अंडे लें, जैसे उस उस्मान ने बताया था कि जो बॉडी बिल्डर्स की डाइट होती है वो मतलब ये प्रो बॉडी बिल्डर्स की डाइट है कि आप बॉयल एग लें और एग वाइट लें, आप उसको ऑमलेट भी बना सकते हैं लाइट ऑयल के अंदर, उसको मतलब कि ऑमलेट टाइप बना सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट वेजेस डाल के, ओनियन में और दूसरे डिफरेंट अपने मिर्ची मिर्ची डाल के, तो उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाएं, ठीक है, आपने इफ्तारी के लिए नमाज पढ़ के आप आए, उसके बाद आपका बॉल राइस होंगे, उसके साथ चिकन मिन्स मतलब चिकन कीमा होगा, आप वो यूज कर सकते हैं, फिर आप अपनी गेम लगा सकते हैं, इस तरह रात सोने से पहले ईशा के बाद मतलब ईशा जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप अपनी हल्की फुल्की डाइट ले सकते हो, जिसमें दोबारा आप अगेन सैलड यूज कर सकते हैं, बॉयल चिकन यूज कर सकते हैं या बीफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए होता है, एसेंशियल होता है, तो साथ बॉयल राइस यूज करते हैं। कोशिश की है हतुल इम्कान कोशिश कीजिए कि आप जो है ना रोटी से परहेज करें और अफ्तारी सही टाइम खास तौर पे पराठों से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सहरी में अगर पराठा नहीं है। आप उस्मान भाई आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये इमरान शिगरी ने जो कहा है कि रमजान में हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उस हवाले से
जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ान में हम ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं सिर्फ अपने टेस्ट डेवलप करने के लिए, वरना उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम ऑयली चीज़ों से ही अपना रोज़ा अफ्तार करें। आप उसमें हेल्दी डाइट ले सकते हैं, जैसे खजूरें हैं, अंडे हैं, मिल्क शेक है आपका, तो उसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि आप अगर रोज़ा खोलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो वो पानी पीने की वजह से आपका स्टमक फुल अप हो जाता है और उसके बाद कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो आप पानी थोड़ा रखें या प्रोटीन शेक इस्तेमाल करें, बाद में आप अपना पानी इंटेक अपना पूरा कर लें, क्योंकि अगर पानी इंटेक नहीं होगा तो वो आपका नेगेटिव वे में भी जा सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकती है आपकी। तो मतलब कि एक टाइम लिमिट बना के थोड़ा थोड़ा आई थिंक तो जी आपका नेट चला गया था। जी जी उस्मान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उनको मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक हसन, आई थिंक उनको आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज उनको नहीं, मुजम्मिल भाई आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी, तो इन हमारा क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट मोमेंट्स हमारे पास है, या आप कह सकते हैं कि एक सेकंड हमारे पास है, तो क्या मोटिवेशन देंगे आप पाकिस्तान की यूथ को? सर मोटिवेशन यही है कि आप जो है अपने आप को जो है ना, जो आप जिस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसको जरा देखिएगा कि आपकी जिंदगी किस मोड़ पे जा रही है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है तो ये आपको लॉन्ग टर्म में जो है ना बहुत नुकसान दे सकती है। इन टर्म ऑफ फिटनेस ये है कि आप अपनी मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल जिम चले जाएं, वहाँ पे मतलब प्लेटों के साथ जुड़ जाएं और डंबल्स के लगाते रहें आप, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज जारी रखें ताकि आपकी जो हार्ट है वो हेल्दी रहे। आप वॉक करें, आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अपनी बॉडी को मतलब इस्तेमाल में लाएं, आप आपकी बॉडी की मूवमेंट रहनी चाहिए। तो बाकी ये है कि हर कोई बेहतर अपने बारे में जानता है, तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि उसको क्या चाहिए जिंदगी से। बिल्कुल, उस्मान भाई से हमारा जो रابطہ है वो दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उस्मान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बहुत खत्म होने वाला है या कम रह गया आई थिंक, ऐसे डायरेक्टर क्योंकि मैं तो बड़ी जल्दी, जैन को भी पता है कि मेरे तो मैसेज शुरू हो जाते हैं भाई टाइम कंप्लीट हो गया है अब, तो ये बहुत अच्छा हमारा शो था। मैं तो चाहता था कि इसको हम लोग और ज़्यादा कंटिन्यू करते रहें, हमारा टाइम बहुत कम है। तो लास्ट वर्ड मोटिवेशन आपके चाहने वालों, जितने भी चाहने वाले हैं उनको क्या मोटिवेशन देने वाली? मैं फिर वही बात यहाँ पे कोट करूँगा कि जो मोटिवेशन है बेसिकली वो आप खुद की खुद मोटिवेशन है, यू आर द ओनली मोटिवेशन टू योर सेल्फ। तो अगर आप खुद कोई मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर आप, ये मुमकिन नहीं है ना कि दूसरों को क्या मोटिवेट करेंगे आप। अगर आप लोग आपसे इंस्पायर नहीं हो रहे तो आप भी खुद इंस्पायरेशन नहीं बांध रहे उनकी, तो आपका फिर मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको उस लेवल तक ले जाएंगे लोग आपके से इंस्पायरेशन हासिल करें, और ये नहीं कि नेगेटिव वे में इंस्पायरेशन हासिल करें, उसको पॉजिटिविटी में लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जैन, खासतौर पर आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप प्लान करें, आपसे एक प्रॉमिस भी लेते हैं हम, उस्मान भाई और रहील भाई को आपने बनाना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक जो है फिटनेस फायर हाउस के नाम से हम लोग जो है वो एक शो भी रखेंगे, और जिसमें आप लोग खुद ही एज अ डायरेक्टर हमारी पूरी टीम है वो भी आप लोगों का साथ देगी और साथ मिलकर काम करेंगे। तो उस हवाले से भी आप लोग जो है वो ज़रूर साथ दीजिएगा ताकि यूथ को हम प्रमोट कर सकें। तो क्योंकि आजकल दिन ऐसे हैं कि सब लोग फ्री हैं, तो इस दौरान जो है वो उन लोगों को एक अच्छा जो है वो हम लोग प्लेटफॉर्म दें ताकि वो घर बैठ के जो है वो अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकें और वर्कआउट जो है वो घर से करें। सर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट मोमेंट में आप? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि काइंडली मैं आपसे जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा वो मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि मैं वही बंदा हूँ जो दो दिन जाता हूँ और फिर बाकी बैक पीछे आ जाता हूँ। तो इंशाल्लाह इस हवाले से करते हैं और आपके साथ इस हवाले से मैं लास्ट मोमेंट में बता सकूँ, चिराग इनके पास जाता रहा है और चिराग को खासतौर पर रहील भाई से काफ़ी मोटिवेशन मिली है। मैं लोगों को कहूँगा कि आप लोग फायर हाउस ज्वाइन करें, आप लोग जाएं, बेशक वहाँ पे आप उनका मेंबर नहीं भी बनते
तो वो एक अच्छी गाइडलाइन आपको सरगोधा के अंदर बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोग आए और इससे हम लोग इख्तिताम करते हैं अपने शो का। और जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी आई टाइम दिया, और नेट का भी थोड़ा सा हमें मसला मसाइल रहा है, तो जो हमने कमेंट्स आए थे उनको बताते हैं हम भाई आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और हम लोग नहीं तो आप उनके जो है वो आंसर देते, तो इंशाल्लाह ये कमेंट्स यहाँ पड़े हुए रखेंगे इनके साथ, दोबारा शो करेंगे। और जी, और मुजम्मिल भाई का, उस्मान भाई का, रहील भाई का, इनके पूरे क्लब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोगों ने टाइम दिया। और सरगोधा में ऐसे बहुत ही बहुत कम लोग ऐसे नौजवान हैं जिनको आप समझ लो कि जो के फिटनेस के हवाले से कुछ अच्छा आइडिया प्रोवाइड करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। और जहन मेरी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए खासतौर पर, फ्यूचर में आपको भी हम बॉडी बिल्डर देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही हम लोग तो इसके साथ ही हम लोग जैन एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि आज द डेली शो की एपिसोड 5 थी जो कि फिटनेस गोल्स के ऊपर थी। हमारे साथ जो गेस्ट थे उस्मान रज़ाक थे, उसके साथ साथ मुजम्मिल अशरफ थे, और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हमारी जो पूरी टीम होती है वो इस पर काम करती है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं चराग बलोच सॉरी, और उसके साथ साथ स्क्रीन राइटर, जो स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सारे मनहूने मिन्नत है शेख जैन की जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ आप लोग नीचे एक टिकर भी पढ़ते रहे होंगे, फिटनेस के हवाले से टिकर भी चलते रहे हैं, कुछ हमारे अपने टिकर्स भी चलते रहे। तो ये एक हमना ख्वाजा हमारी बहुत अच्छी बहन है, वो इस पर काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, और उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसके साथ साथ मैं पूरे जो यूथ मीडिया नेटवर्क है उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा। जैन जाने से पहले एक चीज मैं और बताते चलूँ कि हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आज के शो के हवाले से बताते चलूँ ये शो अभी थोड़ी देर के बाद ये 5 एपिसोड लाइव जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे 7 बजे जो है वो नशर की जाएगी। आप लोग यहाँ पे भी जहाँ पे भी गए इसमें बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है डाइट प्लान के हवाले से, तो आप लोग आके देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। बिल्कुल, हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, नीचे हमारा ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जैन अगर आप हमारा जो मिशन है उसके हवाले से बता दें थोड़ा सा। जी, हमारा मिशन यही है कि हमने यूथ को मोटिवेट करना है। किसी भी आप देख लें कि आजकल हमारे पाकिस्तान में जो ज्यादा 50+ हमारी यूथ है, तो अगर हम अपनी यूथ को, हम खुद हसन और मैं इसमें शामिल है, हम ही नहीं अपनी जो स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे तो हम प्रमोट कैसे हो सकते हैं और हम तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारा मिशन यही है कि हम, हमारा विजन है कि हम अपने जो हमारे प्रोग्राम है, इससे हम अपने यूथ को प्रमोट करें, हम हेल्दी बिहेवियर हमारा हो और हम मैक्सिमम चीज़ों को अचीव करके सक्सेस की तरफ जाएँ। इंटेग्रिटी, फिर हार्मनी, फिर एंटरटेनमेंट, फिर मतलब कि ये वो चीजें है ना जो ये आज हम जो यूथ है ना, हमारा खून बहुत गर्म होता है और ये हार्मनी नाम की तो चीज भी नहीं होती, तो ये ऐसी चीजें हैं ये जो ये ही सबक होता है और ये फ्यूचर में इसी से आप सीखते हो और यही आपकी कामयाबी का बाइस बनता है। तो इन चीजों को साथ कैसे लेके चलना, इंशाल्लाह हम एक साथ तो नहीं, बारी बारी हर प्रोग्राम से आपको जरूर बताएंगे कि हार्मोनी कैसे आएगी, आपके पैशन को कैसे अचीव कर सकते हैं और इम्पावरमेंट आपकी क्या है, इंटेग्रिटी, इंशाल्लाह हम आपको अपने शो से और अपने चैनल से जरूर आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम मीडिया स्टूडेंट हैं, हम देख रहे हैं कि मीडिया वो चीज यूथ तक नहीं जा रहा, वो मैसेज जिस तरह डिलीवर होना चाहिए जैन वैसे मैसेज वो नहीं जा रहा जैसे कि यूथ तक वो मैसेज जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बताया शो भी हम लोगों ने रखा है जो है जैन और अफनान अंजुम के साथ, वो शो भी इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को वो 7:20 पे आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा उस शो को इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा। और आज एक देखे ना, अब हम लोगों ने एक लोगों के साथ मिल के हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग फिटनेस के ऊपर, क्योंकि हमें फीडबैक बहुत अच्छा आया कि लोगों का यार ये आजकल लोगों का मेन मसला है जो कि मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा जैन भाई, इसको हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जो है फिटनेस के हवाले भी शो रमजान के अंदर भी हम लोग ले गए,
लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि रहील भाई को, उस्मान भाई को, मुजम्मिल भाई को, इन लोगों को एंगेज करें. और साथ और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारे अहमद ज़हीन जो होस्ट थे इस सारे शो के, उनका कोई इंटरनेट का मसला बना जिसकी वजह से मुझे और जैन को शो में आना पड़ा. और मेरी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, इसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि मैं साथ साथ पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा होता हूँ, साथ टिकर्स भी जा रहे होते हैं और साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ऑन स्क्रीन आ जाऊँ तो मैं वो कर नहीं सकता. इसलिए बैक हैंड पे मेरी सिर्फ आवाज़ आप लोगों तक आ रही है. उम्मीद करूँगा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे. हमारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसको इस ये स्ट्रीम हुई है, ये लाइव सेशन है, इसको शेयर करें, लोगों को बताएं यार ये एक मैसेज होता है जो कि आप लोग आगे शेयर करते हैं. बिल्कुल जैन भाई, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात रहेगी. और आज हमारे शो का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने किया है. आने वाले दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये 5:30 पे स्टार्ट होता है इंशाल्लाह, इसको हम द डेली शो का हम ले गए. हमने रिसेंट बहुत अच्छे अच्छे शो किए हैं यूथ के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, घर रहिएगा और अपने बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा. इसी के साथ ज़ैन आप इख्तिताम करें ज़हीम की आवाज में और ज़हीम के स्टाइल में. ज़हीम का स्टाइल तो हसन भाई मैं कभी भी नहीं अपना सकता, उसका एक अपना स्टाइल है. कीप सपोर्ट, हमें सपोर्ट करते रहे, हम आपकी वजह से हैं और आप ही हमें आगे लेके जा सकते हैं. हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं और आप हमारी आवाज़ बने. थैंक यू सो मच कल के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ जी और दुआओं में याद.